आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मनी के बारे में कि नेक्स्ट मनी क्या है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट मनी जेन्युइन है, क्या इससे रियल में पैसे कमाए जाते हैं या ये कोई स्कैम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या नेक्स्ट मनी जेन्युइन है, क्या आप इससे रियल में पैसे कमा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, नेक्स्ट मनी एक जेन्युइन कंपनी है और इससे आप रियल में पैसे कमा सकते हैं। प्ले स्टोर पर नेक्स्ट मनी का जो एप्लीकेशन है उसको 10 लाख बार डाउनलोड किया गया है और 25,000 से ज्यादा रिव्यू दिए गए हैं, जिसमें इस एप्लीकेशन को रेटिंग दी गई है 4.1, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है। अगर ये कंपनी कोई फ्रॉड या स्कैम होती और इससे अर्निंग्स ना हो रही होती तो इतनी बड़ी रेटिंग मिलना इम्पॉसिबल था। दूसरी चीज, जो लोग नेक्स्ट मनी में पहले काफी टाइम से काम कर रहे हैं उनसे मैंने बात की है और वो रियल में इससे अर्निंग्स कर रहे हैं। नेक्स्ट मनी का काफी सारी कंपनीज के साथ एफिलिएशन है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बाटा एक्सेट्रा। नेक्स्ट मनी को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जो आप इस प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। लीगल्स की बात करें तो कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर भी है और साथ ही आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके अलावा एमएसएमई सर्टिफिकेट है और ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड किया हुआ है। साथ ही यहीं पर आप इसका पैन कार्ड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेटर देख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें काफी सारे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं जो आप इसी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट मनी में दो तरीकों से कमाई होती है। पहला है कैशबैक, इसमें काफी सारी सर्विसेज हैं जैसे कि रिचार्ज, बिल पे, बुकिंग, शॉपिंग एक्सेट्रा। तो इसके थ्रू जब आप कोई रिचार्ज करते हैं, बिल पे करते हैं, बुकिंग्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं तो आपको 2% से लेकर 20% तक का कैशबैक मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कोई मोबाइल रिचार्ज की शॉप है तो वहाँ पर आप इससे रिचार्ज करके, बिल पे करके, बुकिंग्स करके, शॉपिंग करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रेफरल इनकम, जिसमें टोटल 10 लेवल्स हैं और कमाई की कोई लिमिट नहीं है। जब आप एक पर्सन को रेफर करते हैं और वो आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करता है तो आपको 300 रुपीज मिलते हैं। मान लीजिए अगर आपने 5 लोगों को रेफर किया और उन्होंने आपके थ्रू वॉलेट क्रिएट कर लिया तो आपको 1500 रुपीज मिल जाएंगे। इसके बाद आता है लेवल 2, जिन लोगों को आपने रेफर किया है अगर वो आगे रेफर करते हैं तो इसमें आपको 30 रुपीज ईच पर्सन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को आपने रेफर किया है अगर वो आगे 5-5 लोगों को रेफर करते हैं तो 25 पर्सन की टीम बन जाएगी, जिसमें आपको 750 रुपीज आपके वॉलेट में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं लेवल 3, इसमें हर एक पर्सन पर आपको 45 रुपीज मिलते हैं। मान लीजिए अगर 125 लोगों की एक टीम बन गई तो आपको 5,625 रुपीज आपके वॉलेट में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है लेवल 4, जिसमें आपको 60 रुपीज पर पर्सन मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिखाया गया है, अगर 625 पर्सन की टीम बनती है तो आपको 3,75,000 रुपए आपके वॉलेट में मिलेंगे। इसी तरीके से लेवल्स बढ़ते जाएंगे और आखिरी लेवल में यानी 10th लेवल में आपको 100% 178 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप इसका 50% भी करते हैं तब भी आपको 89 करोड़ मिलेंगे और अगर आप 10% करते हैं तब भी आपको 17 करोड़ मिलेंगे और अगर आप 1% भी करते हैं तब भी आपको 1,78,00,000 रुपए आपके वॉलेट में मिलेंगे। इसके अलावा इसमें रॉयल्टी इनकम्स होती है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, उसमें आपको और एक्स्ट्रा कमाई होती है। इसके अलावा इसमें 10% मर्चेंट ऑफर भी मिलता है। चलिए मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे आप नेक्स्ट मनी को यूज करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसमें पहले आपको एक रेफरल यूजर नेम डालना होगा, जिसमें आप ईशान मॉनिटर डालेंगे और चेक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी डिटेल्स आ जाएगी, आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डालनी होगी। यहाँ पर आपको एक यूजर नेम डालना होगा, जो भी आप रखना चाहते हैं। यूजर नेम डालकर आप चेक पर क्लिक करेंगे ताकि पता चल सके कि ये अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना होगा, जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप पासवर्ड चूज करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ये ओटीपी आप यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर अपना यूजर नेम डालेंगे, जो भी आपने सेट किया था। यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे
और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको प्लान अपग्रेड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपग्रेड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए आपको 1500 रुपीस प्लस GST टोटल 1770 रुपीस का पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको 1500 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिनको आप रिचार्ज, शॉपिंग, लोकल मर्चेंट और सभी सर्विसेज पर यूज कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आपको एक नॉमिनी बनाना होगा, नॉमिनी का नाम यहाँ पर डालेंगे, एज और रिलेशन डालेंगे। इसके बाद यहाँ एरिया का पिन कोड डालेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और अपग्रेड नाउ पर क्लिक करेंगे। अपग्रेड करने के लिए आपको पेमेंट ऐड करना होगा, जैसे कि मेरे वॉलेट में 270 रुपीस पहले से है, तो यहाँ पर मुझे 1500 रुपीस और ऐड करने होंगे, जिसके लिए ओके करेंगे। पेमेंट के लिए आपको पेयू मनी, ICICI पे, एक्सिस पे और पेपल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पेपल से करेंगे तो आपको 200 रुपीस का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके पास पेपल अकाउंट होना चाहिए। पेपल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर हम UPI से पे करेंगे, तो ICICI पे चूज कर लेते हैं। ICICI पे में आपको पेमेंट के सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, UPI और वॉलेट से भी पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने ATM कार्ड से पे करना है तो आप कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नेम और CVV डालकर पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बैंक की तरफ से आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां डालकर पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आप यहां देख सकते हैं कि आपकी मेंबरशिप अपग्रेड हो चुकी है। ये मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए रहेगी, जब तक नेक्स्ट मनी रहेगा आपकी ये लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगी। मेंबरशिप अपग्रेड करने के बाद आपको यहां 3 लाइन पर क्लिक करना है। आपको KYC करनी होगी, जिसके लिए आप अपडेट योर KYC पर क्लिक करेंगे। KYC के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और यहां पर पैन कार्ड अपलोड करेंगे। अगर आप चाहें तो आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अपलोड KYC पर क्लिक करेंगे तो आपकी KYC अपलोड हो जाएगी। इसके बाद 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा और आपकी KYC को वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट मनी को यूज कर सकते हैं। एक बार KYC वेरीफाई हो जाने के बाद आप नेक्स्ट मनी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑफर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, जहां से शॉपिंग करने पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि Amazon, Flipkart, AJIO, ये सभी वेबसाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको Amazon से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप नेक्स्ट मनी के थ्रू परचेज करेंगे तो आपको 20% तक का कैशबैक मिलेगा। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप Amazon पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप विजिट पर क्लिक करेंगे, ये आपको Amazon वेबसाइट पर ले जाएगा। वहां से आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 20% तक का कैशबैक मिलेगा नेक्स्ट मनी वॉलेट में। इसी तरीके से अगर आपको Flipkart से कुछ परचेज करना है तो आप Flipkart से कर सकते हैं। इसी तरीके से AJIO, बाटा, BookMyShow, काफी सारी वेबसाइट्स यहां पर दी गई है। प्रीमियम मेंबरशिप लेने पर आपको 1500 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो देखने के लिए आप यहां प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवार्ड पॉइंट्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको एक पिन जनरेट करना होगा अपने वॉलेट के लिए, जिसके लिए आप जनरेट पिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप पिन सेट करेंगे। आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहां डालकर सबमिट करेंगे तो आपका पिन सेट हो जाएगा। पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके बाद वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका वॉलेट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको पिन डालना होगा जो भी आपने सेट किया था। पिन डालकर ओके करेंगे तभी आप अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आप सभी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जैसे कि हमने 1770 रुपीस पे किए हैं मेंबरशिप अपग्रेड करने के लिए। एड मनी पर क्लिक करके आप अपने वॉलेट में मनी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एड मनी पर क्लिक करके 500 रुपीस ऐड करूंगा। अमाउंट डालकर एड मनी पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं ICICI पे चूज करूंगा क्योंकि ये सही से वर्क करता है। यहां से आप इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड और UPI के थ्रू पैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर देता हूं। इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आगे बढ़ेंगे। 500 रुपीज सक्सेसफुली वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। रिचार्ज पर क्लिक करके आप कोई भी मोबाइल या DTH रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें 2% का कैशबैक मिलेगा और साथ ही आपको जो 1500 रिवार्ड पॉइंट्स मिले हैं उनको भी आप 1% इसमें यूज कर सकते हैं। रिचार्ज के लिए आप कोई भी एक प्लान चूज करेंगे, जैसे कि मैं 399 वाला चूज कर लेता हूं। इसके बाद प्रोसीड टू रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में रिवॉर्ड पॉइंट यूज करने के लिए आप यहां पर टिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन में कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज होंगे और आपको बाकी कितना पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं।
इसके बाद आप वॉलेट में देखेंगे इंस्टेंटली कैशबैक ऐड हो चुका है। हमने रिचार्ज किया है 399 रुपीस का, जिसमें हमने 4 रुपए के आसपास रिवार्ड पॉइंट्स यूज किए हैं और 8 रुपए के आसपास यहां कैशबैक मिल चुका है। तो एक रिचार्ज पर आपको 12 रुपए का बेनिफिट हो चुका है। इसमें आप बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, फास्टैग, केबल टीवी, एजुकेशन फीस, ये सब कुछ पे कर सकते हैं और सभी पर आपको कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट मनी में कमाई करने का एक तरीका तो ये हो गया कि आप जितने भी रिचार्ज, शॉपिंग, बिल पे करेंगे उस पर आपको कैशबैक मिलेगा। और कमाई का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने नीचे टीम मेंबर्स को जोड़ेंगे, जिसके लिए आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपना रेफरल लिंक शेयर करेंगे। रेफरल लिंक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो भी लोग आपके लिंक के थ्रू आपसे जुड़ेंगे तो आपको 300 रुपीज पर डायरेक्ट पर्सन मिलेगा। इसके बाद जिन लोगों को आपने जोड़ा है, जब वो किसी और को रेफर करेंगे तो उनसे भी आपकी अर्निंग्स होगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, सेंड मनी, ऐड मनी और रिडीम। सेंड मनी पर क्लिक करके आप ये अमाउंट किसी दूसरे नेक्स्ट मनी वॉलेट में सेंड कर सकते हैं। ऐड मनी पर क्लिक करके आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं और रिडीम पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट में ये अमाउंट निकाल सकते हैं। जब आपके वॉलेट में कम से कम 1000 रुपए हो जाएंगे तो आप उनको रिडीम कर सकते हैं। अब बात आती है कि नेक्स्ट मनी कब तक चलेगा। नेक्स्ट मनी कब तक चलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस कंपनी को देख करके लगता है कि ये काफी लंबा चलेगी। इसके काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, काफी सेमिनार्स होते हैं, आपको काफी शहरों में इसके ट्रेनिंग